हेलो फैमिली, वेलकम टू माय बोरिंग वीडियोस। तो आज ना हम अपने रूम में स्टिकर लगाने वाले थे, जो कि मैंने मीशो से परचेज करा था। एंड ये आई थिंक हमें 100 समथिंग कुछ रुपीज़ का पड़ा था। इसमें दो स्टिकर्स आए थे, पहला वाला तो ये है जो आपको दिख रहा है, और दूसरा एक वो था जिसमें गर्ल बन रखी है और उसमें बहुत सारे ऐसे बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। लेकिन हमें वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, तो हमने सोचा कि पहले तो हम ये वाला लगा देते हैं जिसमें ट्रीज़ हैं और बहुत सारे लीव्स दे रखे हैं, बर्ड्स दे रखे हैं। तो हमने स्टार्ट करा, पहले तो ना हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि डंडिया लगाएं कैसे कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे जो मैनुअल दे रखा है ना, वहाँ से कुछ भी समझ नहीं आता। तो अगर आपने भी ऐसा स्टिकर परचेज करा है, मैनुअल को देखो ही मत, आप अपने तरीके से बस डंडिया ना निकाल के लगाना स्टार्ट करो। सबसे पहले ना जो सबसे बड़ी वाली है उनको लगाना स्टार्ट करो, उनको आप पेस्ट करते जाओगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे लगाना है। जो दूसरा मेन इशू इसमें आ रहा था ना कि ये ना मतलब ऐसे जैसे निकालते हैं ना एकदम से ये घूम जाता है, तो एक दूसरे के साथ चिपकने का मेन इशू रहता है इसका, तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तीसरा जो इसमें कंसर्न, जो हमें बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वो ये था कि गलती से हमने किसी गलत जगह चिपका दिया और हमें वहाँ चिपकाना नहीं था। तो अब ये चीज़ आप जब स्टार्ट करोगे ना तो आपके दिमाग में होगा कि गलत जगह चिपका देंगे तो फिर क्या होगा। तो इसमें कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है कि आपकी वॉल ख़राब हो जाएगी या स्टिकर वेस्ट चला जाएगा, उसको आप ना रिमूव करके फिर अलग से पेस्ट कर सकते हो। तो एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि सबसे पहले जब ये गलती से गलत जगह चिपक गया था ना, तो मैं ये सोची कि अब तो दीवार ख़राब हो जाएगी अगर हमने उसको निकाला, क्योंकि होता है एट टाइम्स कि हम निकालते हैं और वो दीवार भी साथ में उसकी निकल जाती है। बट इसके साथ कुछ नहीं था, स्टिकर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बस ये था कि हाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया इसे लगाने में। तो अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप पहले देख लो कि हमने कैसे कैसे ये पेस्ट करा है। दिस इज़ द फाइनल लुक। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो रिज़ल्ट आया ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने इसको 100 रुपये में परचेज़ करा, इतनी ज़्यादा इसने हमारी वॉल को इन्हांस कर दिया है ना। तो मैं तो इसको 10 out of 10 देने वाली हूँ। इसके बाद ना जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ लाइक माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा पूरा वॉल का डेकोरेशन। बाय बाय।